जेपी आंदोलन के बारे में पता है कि भूल गए नीतीश जी उनके लोग? जेपी आंदोलन क्या परमिशन लेकर के हुआ करता है? क्योंकि खेत जाग चुका है इस देश का, और जब खेत जागता है ना तो बहरी संसद और बहरी विधानसभाओं को सुना देता है उसी आलोक में। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ शुभे आपके साथ। अभी से कुछ ही देर बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा ऐलान किया गया मानव श्रृंखला का निर्माण राज्य भर में किया जाएगा, लेकिन इससे पूर्व तमाम नेता अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आरजेडी के नेता मनोज झा ने साफ कह दिया है कि बिहार सरकार को अब तो चेत जाने की जरूरत है। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे साफ पूछा कि जिस तरीके से जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर ये श्रृंखला बनाने की पूरी तैयारी महागठबंधन की तमाम पार्टियों की तरफ से की गई है, तो उन्होंने साफ कहा कि जरा इतिहास को दोहराइए, जरा इतिहास के पन्नों को उलटकर याद कीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात को याद करने की जरूरत है कि जेपी आंदोलन किस तरीके से हुआ था। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। देखिए, कमाल की बात है, खेतिहर समाज के लिए की गई कोई पहल कदमी कभी फ्लॉप नहीं होती, क्योंकि खेत जाग चुका है इस देश का, और जब खेत जागता है ना तो बहरी संसद और बहरी विधानसभाओं को सुना देता है। उसी आलोक में नेता प्रतिपक्ष ने, तेजस्वी जी ने यह निर्णय किया, तमाम महागठबंधन दल के लोग। ये मानव श्रृंखला सरकारी आयोजन नहीं है, यह स्वतः स्फूर्त आयोजन है, जिस आयोजन के माध्यम से एक संदेश जाएगा तानाशाही सरकार को दिल्ली में और यहाँ की अवसरवादी सरकार को बिहार में। अभी भी चेतने का वक्त है, चेतिए खेत के पक्ष में, खलिहान के पक्ष में, अन्यथा जनता जब जागती है ना तो पता। नीतीश कुमार की पार्टी सुबह से ही आज कह रही है कि ना कोई परमिशन लिया है, कानून को हाथ में लेने जा रहे हैं ये लोग। कमाल के लोग हैं, जेपी आंदोलन के बारे में पता है कि भूल गए नीतीश जी उनके लोग। जेपी आंदोलन क्या परमिशन लेकर के हुआ करता है? और ये आंदोलन नहीं है, एक सॉलिडारिटी, एकता का एक्सरसाइज है। और एकता के किसी भी पहलकदमी के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि परमिशन लेकर के एकता की पहल होती है। कह रहे हैं किसान आपके साथ नहीं होंगे बिहार, कह रहे हैं कि बिहार किसान तो खुश हैं। बिहार में तो किसान को किसान रहने ही नहीं दिया भाई, कितना मुंह खुलवाइएगा, किसान को खेतीहर मजदूर बना के रख दिया। कमाल की बात करते हैं, थोड़ा तो कम से कम आईना देखा करो और ये सोच लेना। मैं तो उसी इलाके से आता हूँ, लगातार नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं मकई कितने में खरीद हो रही है, कितनी है न्यूनतम मूल्य, आधे से भी कम में, औने पौने दाम में लोगों को बेचना पड़ता। क्या फुलरा सत्ता पक्ष को इसका डेटा कुछ पता नहीं है, सिर्फ बात कर रहे हैं इसका, मतलब जो किसानों के साथ सरकार आंकड़े जारी कर देना। ये सरकार तो आंकड़ों का खेल जानती है, फिर भी आंकड़े जारी करके बता दे। दिक्कत क्या है ना कि ये जो बिहार की सरकार है, खास तौर पर इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि सरकार ही नहीं, सरकार जनता द्वारा खारिज थी, खारिज जनादेश पर शासनादेश से जो सरकार चले उनसे क्या उम्मीद। आखिर सवाल, कल बजट सत्र कल था, आप लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार क्यों कर दिया? देखिए, राष्ट्रपति जी से कोई शिकायत नहीं, महामहिम, लेकिन महामहिम का जो स्क्रिप्ट है ना वो कैसे लिखा गया? शमशान में विवाह के गीत गाते हैं लोग, सिंघू बॉर्डर, टिकड़ी बॉर्डर पर जो हो रहा है क्या देश नहीं देख रहा? क्या हमारे महामहिम के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए? क्या संवेदनाएं हमारी इतनी मर गई हैं? कमाल के लोग। अगला सवाल है कि जीतन राम मांझी ने कल कहा था कि अगर महागठबंधन के लोग जो जमीन जो उन्होंने लिखवाई किसानों से वापस कर दे तो वो भी इस मानव श्रृंखला में साथ होंगे। देखिए, उनके वो उनके साथ दिक्कत है कि जहाँ रहते हैं ना वही की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और वो भी आधार है। मैं क्या टिप्पणी